इसमें नमक टेस्ट करने के लिए और हल्दी आधा चम्मच और मिर्ची का पाउडर एक चम्मच दोनों तरफ लगाना चाहिए, इस तरह रब करना चाहिए। थर्टी मिनट्स के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। लहसुन 10 पीस सोहित करेंगे और कच्चा मिर्चा 2 पीस, जीरा 2 चम्मच, ये हीट करते रहना है स्लो फ्लेम में। मिक्सर में अभी इसको ग्राइंड करेंगे, पाउडर बनाएंगे। सर ग्राइंडर का बाती में रखा हूँ और अब हम इसको पेस्ट करेंगे। जीरा 2 चम्मच और लहसुन 10 पीस और 2 कच्चा मिर्ची जो रोस्ट करके मैंने ग्राइंड किया था। उसके बाद अब हम इसमें हल्दी 1/2 चम्मच देंगे और मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच देंगे और धनिया का पाउडर 1 चम्मच देंगे। 4 चम्मच पानी देके फिर से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। ये कसूरी मेथी है 1 चम्मच रोस्ट किया हो यानी कि हीट किया हो, इसको भी पाउडर बना के पेस्ट बना के देना है। पैन भी हीट किया हूँ, इसमें 3 चम्मच तेल देंगे। ऑयल में मछली फ्राई करेंगे। दो मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। हो गए हैं, अब हम उसको मछली को फ्लिप करेंगे। ताकि ये टूट ना जाए। उसके बाद फ्लिप होने के बाद, फ्लिप करने के बाद साइड में भी इस तरह से 2 मिनट के लिए रखेंगे। पैन में हम 3 स्पून यानी कि 3 चम्मच तेल देंगे ऑयल। 2 ऑनियन स्लाइस करके काटा था, अब हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउनिश कलर नहीं हो जाता है। ये फ्लेम में फ्राई करते रहेंगे 7-8 मिनट के लिए। ये 8 मिनट हो गया है और कलर भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मसाला यानी कि पेस्ट जो बनाया था मिक्सर ग्राइंडर में इसमें देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा नमक देंगे, नमक दे के फ्राई करेंगे। उसके बाद 3 मिनट के लिए इसको रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम जो कसूरी मेथी रोस्ट करके जो मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट किया था यानी कि पाउडर बनाया था, अब हम इसको इसमें मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए हम फ्राई करते रहेंगे। पूरी मिट्टी देने के बाद 1 मिनट हो गया है। ये कारी पत्ता है, 15-20 दे सकते हैं लेकिन मैं 20 दूँगे। अब हम फ्राई करते रहेंगे 2 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे। ये इमली का जूस है, इमली का जूस 4 चम्मच इसमें देंगे। अब
अच्छी तरह से मिलाना है। हम 250 ml पानी देंगे। मछली दे दिया है इसमें। अब हम उबलती रहना चाहिए 5 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं। हम इसको खोल के फिश को फ्लिप करेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि मछली टूट ना जाए। हम 4 चम्मच नारियल का पानी देंगे, नारियल का दूध। अब हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मिक्स करके उसके बाद 10 मिनट के लिए बंद करके रखेंगे, ओवर करके रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के 3 चम्मच कोरिएंडर चॉप में देंगे। देने के बाद फिर से 3 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। अब हम खोलते हैं ढक्कन और ये बिल्कुल तैयार हो गया है, खाने का लायक हो गया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे, इसके बाद सर्व कर सकते हैं बाटी में निकाल के। अगर आप मेरा चैनल में नया हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।